ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का ही सेट होता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 8, विंडो 7, विंडोज 10, तो वहीं पर हम पढ़ रहे हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्योरी क्या है, कैसे कार्य करता है और ये है क्या। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का ही सेट होता है जो कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं का एक सेट होता है, जो कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं को संचालित व नियंत्रित करता है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो इनपुट डिवाइस प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, आप आउटपुट डिवाइस का प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर को आवश्यक कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही देते हैं और कंप्यूटर द्वारा दिया जाने वाला आउटपुट भी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही आउटपुट डिवाइस तक पहुंचते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्नलिखित कार्य, पहला प्रोग्राम को लोड एवं क्रियान्वित करना। जी हाँ, प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसी भी प्रोग्राम को, जैसे आपने वर्ड ओपन किया, आपने एक्सेल ओपन किया, आपने पावर पॉइंट ओपन किया, तो उसको लोड करने का काम किसका होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिस्टम एवं एप्लीकेशन प्रोग्रामों को मेमोरी से लोड करके क्रियान्वयन के दौरान आवश्यक सपोर्टिंग फाइलें भी प्रदान करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट के संदर्भ में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रिएशन, डिलीशन, सस्पेंशन एवं रीजम्पशन आदि संपन्न कराना प्रोसेस को मैनेज करने का काम करता है। मेन मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, मेमोरी का कौन सा भाग इस समय प्रोग्राम में है एवं उसे किस प्रकार प्रोसेस ने प्रोग्राम में लिया हुआ है। यदि सूचनाएं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती हैं, आवश्यकता अनुसार मेमोरी स्पेस को एलोकेट एवं डिलोकेट करना। फाइल प्रबंधन का काम, फाइल मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। फाइल व डायरेक्टरी का क्रिएशन, डिलीशन एवं मैनिपुलेशन का कार्य संपन्न कराना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। फाइलों का सेकेंडरी जगह पर मैपिंग करना, फाइलों का स्टेबल संग्रह पर बैकअप लेना, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, फ्री स्पेस का प्रबंधन करना, स्टोरेज एलोकेट करना, डिस्क शेड्यूलिंग करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, जो भी इनपुट डिवाइस है, जो भी आउटपुट डिवाइस है, ये सभी को मैनेज करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रभावशाली रूप से उपयोग करने में मदद करता है एवं उसकी जटिलताओं से यूजर को मुक्त कराता है।